नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पी के मिलियन पर। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत में 14 हफ्ते लॉकडाउन है और आगे भी बढ़ने के चांस हैं। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ आप सबके लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दूँ, जिसमें कि आप घर पर रहकर पढ़ाई कर सकें, जिसमें आपको हमारे सर मैथ तो और रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो आपका ऑनलाइन क्लास पर क्या कहना है? अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और ऊपर दिए गए पोल में कमेंट करके बताएं कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। इसी बात पर यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो तो आपको पता चल सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबके लिए लाया हूँ राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल रहेगा, जहरू खां मेवाती किस लोक वाद्य यंत्र के पर्याय माने जाते हैं? जो जहरू खां मेवाती हैं वो किस लोक वाद्य यंत्र के पर्याय माने जाते हैं? भुफंग, खड़ताल, कमायचा या सारंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसलमेर में हमीरा गांव के निवासी पेपे खां किस लोक वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? भुफंग के लिए, ऑप्शन बी सुरनाई के लिए, मोरचंग के लिए या खड़ताल के लिए? दोस्तों, आप अगर आपका आप आंसर दे रहे हैं तो कमेंट में अपने आंसर दे सकते हैं और बाद में चेक कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरनाई, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में सबसे अधिक लोकप्रिय है? दक्षिणी भाग में, पश्चिमी भाग में या उत्तरी भाग में या पूर्वी भाग में? तो नौटंकी और रामलीला है वो राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी भाग में। दोस्तों, मैं बता दूं, पूर्वी भाग में भरतपुर, अलवर और धौलपुर आते हैं। यहाँ की नौटंकी और रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? गंधर्व, रम्मत, बभाई या गबरी? तो भील जाति द्वारा जो अरावली क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गबरी नृत्य, जो भील जाति द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ देते हैं। इनमें से रम्मत क्या है? संगीत कला शैली है, नृत्य कला शैली है या चित्रकला शैली है या नशे का प्रभाव है? तो रम्मत है दोस्तों, आप सबको पता होना चाहिए इसका आंसर। अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्रकला शैली। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? ख्याल, नौटंकी, रामलीला या रम्मत? आप अपना जवाब कमेंट में बताएं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, BSTC, BEd, पटवार, पुलिस और रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भिन्न भिन्न किताबों से छांट के लाता हूँ। तो दोस्तों यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इसका आंसर देते हैं। राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्याल। ख्याल लोकप्रिय विद्या है और सबसे प्राचीन विद्या है। इनमें से कौन सा राज्य है वह है जो सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़ी ग्रिड शुरू करने वाली राज्यों की सूची में पहले स्थान पर आता है? असम, राजस्थान, महाराष्ट्र या जम्मू कश्मीर? तो दोस्तों, सीधी भाषा में कहा जाए तो राजस्थान राज्य वो सबसे नंबर वन पे आता है सौर ऊर्जा के मामले में, जिसमें जैसलमेर में सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। हाल ही में जारी की गई राजस्थान की खनन नीति के अनुसार 2015 में अवैध खनन पर सजा कितनी प्रावित की गई है? 3 वर्ष तथा जुर्माना 20,000 रुपये, 5 वर्ष जुर्माना 25,000 रुपये, 8 वर्ष जुर्माना 50,000 रुपये, 4 वर्ष जुर्माना 15,000 रुपये? दोस्तों, यार कमेंट में अपने आंसर देती रहिए, मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष 25,000 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? घूमर, केसरिया वाला, प्रीतम, गया प्रदेश या उपरोक्त तो सभी? तो दोस्तों यार, अपना कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसरिया वाला। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? गरबा, गीदड़, घूमर या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, आप अपना आंसर दीजिए। आप वीडियो को रोक कर भी अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूमर। जो घूमर है वो राजस्थान का राज्य
चलिए अगले सूत्र पढ़ते हैं। राजस्थान में मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहते हैं? गीदड़ नृत्य कहते हैं, गैर नृत्य, तेरह ताली या घूमर? तो जो मेवाड़ और बाड़मेर के पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से वृत्ताकार रूप में नृत्य किया जाता है, उस नृत्य का क्या नाम है? तो उस नृत्य का नाम है गैर नृत्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य जो पुरुषों द्वारा सामूहिक वृत्ताकार में हाथों में डंडे लेकर किया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, सेकावाटी क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र या मेवात क्षेत्र? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप आंसर दीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकावाटी क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों द्वारा वृत्ताकार नृत्य हाथों में चंग लेकर किया जाता है? उसमें बता दूँ, चंग एक तरह से वाद्य यंत्र होता है जो डमरू की आकृति का होता है, थोड़ा डमरू से थोड़ा बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारे सेकावाटी। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ था? तो अग्नि नृत्य जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है, तो इसका उद्गम किस जिले में हुआ था राजस्थान के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर में। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है? जो फतेह फतेह जो फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है, उस नृत्य का क्या नाम है? अग्नि, तेरह ताली, घूमर या गीदड़? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि नृत्य। जो अग्नि नृत्य है उसके दौरान फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो पीपा जी के बचपन का नाम क्या था? आपको दोस्तों बता दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद जरूर कर लेना क्योंकि इनमें से आने के बहुत चांस हैं। जो पीपा जी हैं उनके बचपन का नाम प्रताप सिंह था, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तक बढ़ते हैं। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इसमें थोड़ा मिस एडिटिंग हो गया है, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्र बधाई। जो चंद्र बधाई हैं उन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17-18 की तरफ पढ़ते हैं। राजस्थान में बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? जो बीसलदेव रासो है उसकी रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरपति नाल ने। तो 18 में का आंसर हो जाएगा नरपति नाल ने बीसलदेव रासो की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। राजस्थान में हमीर रासो व हमीर काव्य की रचना किसने की थी? चंद बदाई ने, सारंगदेव ने, जयानक ने या उपरोक्त सभी ने? जो हमीर रासो है या हमीर काव्य है इसकी रचना ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारंगदेव ने। बीसलदेव की वीरता, पराक्रम बा एवं राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बीसलदेव रासों में की थी? तो इसका राइट आंसर आप बताइए कमेंट में जरूर दीजिएगा, जयानक, नरपति नाल, सारंगदेव या चंद बधाई? तो जो बीसलदेव थे उनकी पराक्रम और उनकी प्रेम प्रसंग था, उसकी जो वर्णन किस कवि ने अपने बीसलदेव रासों में किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी का, नरपति नाल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। बीसलदेव की प्रेमिका राजमती कहाँ के शासक की पुत्री थी? जो बीसलदेव थे उनकी प्रेमिका थी राजमती, वो कहाँ के शासक की पुत्री थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा की। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। दलपति विजय द्वारा रचित ग्रंथ खुमाड़ रासों में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है? जो खुमाड़ रासो है उसमें किस शासक के उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो इसका आप आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राज सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। खुमाड़ रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? जो खुमाड़ रासो है उस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलपति विजय, ऑप्शन नंबर बी।
जो खुमार रासो है उसकी रचना दलपति विजय ने की थी। दोस्तों मैं बता दूं ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद जरूर कर देना। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ईसरदास, चंद्रबदाई, दलपति विजय, जयानक। तो क्वेश्चन नंबर 24, इसका पृथ्वीराज जो विजय है उसकी ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जयानक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तो बढ़ते हैं। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? राजस्थान में जो बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट जरूर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यमल मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 26 की तो बढ़ते हैं। हाला जालारी कुंडलिया की रचना किसने की थी? तो हाला जालारी कुंडलिया जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? जयानक ने, ईशरदास ने, सूर्यमल मिश्र ने या दलपति नाल ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईशरदास ने। कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? जयानक है, पद्मनाभ है, ईशरदास है या विजयनाथ देता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आप आंसर दीजिए कमेंट में, देखिए आप कितने आंसर कर पाते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा पद्म नाम। चलिए अगले क्वेश्चन से पढ़ते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध वैली कृष्ण रुक्मणी री रचना किसने की थी? जयानक ने, विजयनाथ देता ने, पृथ्वीराज ने, राठौर पृथ्वीराज ने या चंद्रबदाई ने? तो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका राइट आंसर आप दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा राठौर पृथ्वीराज ने, जो प्रसिद्ध वैली रुक्मणी री रचना राठौर पृथ्वीराज ने की थी। बाताली फुलवारी की रचना किसने की थी? जयानक ने, विजयनाथ देता ने, रसकान ने या इनमें से कोई नहीं? जो बाताली फुलवारी है ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजयदान देता ने। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। कवि सूर्यवन मिश्रण की किस रचना में बूंदी के महाराजा राव सुज्जन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? वीर सतसई, धातुर पावली, वंश भास्कर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा वंश भास्कर में सूर्यमल मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्र की रचना बूंदी के महाराज राव सुजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। रणनृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? जो रणनृत्य वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो 31 का आंसर बताइए आप कमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़ क्षेत्र में। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। श्रीमती फुलकी बाई राजस्थान के किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो फुलकी बाई मैं आपको बता दूं वो जोधपुर से बिलोंग करती हैं, जोधपुर से। और वो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? इसका राइट आंसर होगा चली नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का चली नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? जो चली नृत्य है वो किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। आपको इसका सबका आंसर पता होना चाहिए, इसका कमेंट में जरूर आंसर जवाब दीजिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? तो राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन होता है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन होता है। थार महोत्सव उत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? जोधपुर में, बाड़मेर में, पाली में या जैसलमेर में? तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आप दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, थार महोत्सव बाड़मेर में आयोजित किया जाता है। ऊंट महोत्सव जो समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? इसका तो आप सबको आंसर पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाए बीकानेर। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। राजस्थान में तीज उत्सव का आयोजन राजस्थान किस जिले में आयोजित किया जाता है? जो तीज है वो राजस्थान के किस जिले में आयोजित की जाती है? झालावाड़, जयपुर, टोंक या अलवर? क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। तो मैं आपको बता दूं जो तीज है वो जयपुर में आयोजित किया जाती है, और जो गणगौर है वो भी राजस्थान की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है।
चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? अलवर, भरतपुर, सीकर, धौलपुर। कमेंट में अपने आंसर दीजिए। ब्रज महोत्सव वो किस जिले में आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर में। राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? तो शरद महोत्सव है वो राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? उदयपुर, झालावाड़, माउंट आबू या डूंगरपुर। तो अपने जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू। माउंट आबू में शरद महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है? दोस्तों मैं बता दूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में हाथी समारोह मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है? जयपुर, कोटा, बूंदी या झालावाड़। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। जो दशहरा मेला है वो कोटा में लगता है, और दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? पाली में, बाड़मेर में, जोधपुर में या बीकानेर में। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? ग्रीष्म उत्सव का, बैलून उत्सव का, कजली तीज उत्सव का या गणगौर का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आप दीजिए कमेंट में, जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कजली तीज उत्सव, जो बूंदी में आयोजित होता है। हाड़ौती बोली जाती है राजस्थान के किस जिले में? नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों ये सवाल कई बार आ चुका है, मैं बता दूं हाड़ौती किस जिले में नहीं बोली जाती है। और अक्सर लोग इसको गलत करते हैं झालावाड़ में, बारा में, टोंक में या कोटा में। तो हाड़ौती राजस्थान के किस जिले में बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 44 इसका आंसर होगा राइट आंसर, टोंक में। राजस्थान में कागज पर जो चित्र घेरे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मांडना, पाना, सांझी या फड़। तो राजस्थान में जो कागज पर चित्र घेरे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 45 का, पाना। ऑप्शन नंबर बी, पाना कहते हैं। राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों पर चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? फड़, पाना, सांझी या मांझड़ा। तो राजस्थान में जो गोबर से घर की दीवार पर चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? सांझी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांझी। आपने देखा होगा जो गोबर से राजस्थान में बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा उत्सव चांद दिखाने पर मनाया जाता है? उर्स, ईद उजुल्ला, मुहर्रम या उपरोक्त सभी। तो कौन सा उत्सव है जो राजस्थान में चांद दिखने पर मनाया जाता है? मैं बता दूं ये मुसलमानों के त्यौहार हैं सब। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का, उपरोक्त सभी। जो उपरोक्त सभी हैं, ईदुल्ला है, उर्स या मुहर्रम, ये चारों उत्सवों का आयोजन चांद दिखने पे किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। कृष्ण भक्त मीरा बाई का मंदिर राजस्थान पर कहाँ पर है? झालावाड़ में, मेड़ता सिटी में, नागौर में या जोधपुर में या पुष्कर अजमेर में। दोस्तों मैं बता दूं, जो मीराबाई थी उनका जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, वो मेड़ता सिटी नागौर में, क्योंकि इनको यहाँ की जो नागौर है वो उनकी क्रीड़ा स्थली भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में स्थित चाकसू में शीतला माता का मेला कब भरता है? बैसाख पूर्णिमा को, चैत्र कृष्णा अष्टमी को, चैत्र शुक्ला द्वितीया को, बैसाख शुक्ला तृतीया को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चैत्र कृष्णा अष्टमी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजसमंद, झालावाड़, अजमेर या कोटा। जो रंगनाथ जी का मंदिर है वो अजमेर में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में यार इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि बस जो लोग हैं जो लॉकडाउन के चलते घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं वो पढ़ाई कर सकें। मैं ऐसे ही आपके लिए 50 क्वेश्चन लाता रहूँगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। आपकी इस पर क्या राय है यार, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। जिसमें आपको संजीव सर हैं वो मैथ पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे और जीके मैं आपको पढ़ाता ही हूँ, ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्लास स्टार्ट करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। अगर इस वीडियो पे 100 से ज़्यादा कमेंट आएंगी यस में, तो मैं क्लास ऑनलाइन स्टार्ट करा देंगे अगले 2-3 दिन में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।